हेलो, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए, भैया घर जा चुके हैं और बस हम लोग बैठे थे तो सोचा चलो घूम के ही कहीं आ जाते हैं, क्योंकि छुट्टी भी बहुत कम मिलती है। आज छुट्टी थी इनकी और इनको भी घर पे भी चैन नहीं मिलता है, इनका भी बहुत शौक है घूमने का, तो बोले चलो घर पे बैठे सोचा कहीं घूम कर आते हैं। तो बस हम लोग अभी जा रहे हैं, अचानक से ही निकल गए, बस उठे और तैयार हुए और निकल लिए, तो चलिए बाहर वो वेट कर रहे हैं। आज छुट्टी है बाहर तो बिल्कुल फुल एंजॉय है और खूब काम। आज पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो, बताओगे नहीं कि कहाँ ले जा रहे हो। आज हम लोग सुबह कहीं और जाने वाले थे लेकिन टाइम नहीं था, और अच्छा हुआ नहीं गए, नहीं तो फिर आज भैया का लंच रह जाता। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और हम लोग घूमने तो वैसे भी अभी अभी निकल गए, छुट्टी हुई कि बस घूमना है ना। छुट्टी में मतलब पैर घर पे नहीं थमते। आपको भी घूमना अच्छा लगता है कि नहीं? अब वो भी मेरे साथ। भाई क्या बात है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। निकालो, सब लोग बोले कि खुद ही कितना बोलती रहती है। हैं? अपने पति को बोलने भी नहीं देती है। यार आप तो बोल दो। अरे कुछ तो बोलो, सब लोग वेट कर रहे हैं। कचनार सिटी चल रहे हैं। ये देखा, अब बोले कचनार सिटी में क्या है ऐसा? शिव की भव्य प्रतिमा। शिव जी संडे फैमिली ब्लॉग है, उसमें किसकी? हनुमान जी की। उसमें हनुमान जी का बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई है मैंने, संडे फैमिली ब्लॉग करके, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम लोग कचनार सिटी जा रहे हैं, शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, मूर्ति है बहुत बड़ी। तो यहाँ के लोकल लोग उनको तो पता ही होगा, बाहर के लोगों को भी वैसे पता है, बहुत फेमस है। लेकिन आज मकर संक्रांति है, हो सकता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो, अब कहाँ तक पहुंच पाते हैं वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। निकल तो गए घर से, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। जहां भी जाएंगे वहां आप लोगों को साथ में ले जाएंगे। आर सिटी का गेट आ गया। मकर संक्रांति के दिन ज्यादातर लोग नर्मदा जी जाते हैं, वहां डुबकी उबकी लगाना। गौरी घाट में आज भीड़ होगी भयंकर। कचनार सिटी के शिव मंदिर पे आ गए हैं। देखिए ये दूर से, अभी आप दर्शन कर लीजिए, मैं अंदर जा कर के दर्शन करवाती हूँ। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बहुत सुंदर लगता है। देखिए आप, लाइट जल गई तो और अच्छा लगने लगे ना, रात को बहुत अच्छा लगता है जब लाइट वगैरह जल जाती है। जैसे जैसे पास आते हैं और भी सुंदर लग रहे हैं शंकर जी। तो नंदी बाबा जी हैं, सही बात है, ठंड के कारण एक कंबल उड़ा के रखे नंदी जी को। जय नंदी महाराज। ना ये हवन होता है, क्या है? हाँ, पूरे ज्योतिर्लिंग है, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है ना।
तुम देख जा चुकी, दर्शन कर चुकी सोमनाथ, यस ठीक है। उन्होंने बहुत सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं, कुछ अभी बाकी है जिसमें ये सोमनाथ के दर्शन हो चुके हैं। ये मैं जा चुका हूँ हैदराबाद। अच्छा, ये मैं रह गई, मैं इसमें जा चुका हूँ, मेरा भी मौका आएगा, डोंट वरी। महाकालेश्वर भी जा चुका हूँ, भी मैं आप लोगों को यहाँ ये भी जा चुका हूँ, कालेश्वर भी, पूरे जो 12 ज्योतिर्लिंग जो दर्शन है, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको मैं यहीं जबलपुर से ही करा देती हूँ। आप लोग जबलपुर आइए तो जरूर आइएगा, यहाँ विजयनगर कचनार सिटी में है, हर कोई जानता है यहाँ तो। दर्शन भी हो चुके और दर्शन भी करते जाएगी सभी ज्योतिर्लिंग, कामेश्वर भी चले गए। विश्वनाथ से आपके भी दर्शन हो गए, नमः शिवाय। मेरा जो दूर का ट्रिप था ना वो कैंसिल करा दिया, इसलिए बोल रहा कि घुमाया नहीं। जय केदारनाथ, तो बहुत दिन हो गए। अच्छा, गिन लिया आपने, ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग गुफा से बाहर आ गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कभी भी आप लोग आइए तो रात में ही दर्शन कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं, निंग बहुत अच्छी है, लाइटनिंग बाबा देखिए। चारों साइड से आपको शंकर जी के दर्शन करा रही हूँ, ये साइड से भी कितने अच्छे लग रहे हैं। हम लोग का ये कचनार सिटी का आने का प्रोग्राम सक्सेस रहा, मुझे लग रहा था कि मकर संक्रांति आ रहा हो सकता है भीड़ वगैरह ना हो, बट उतनी भीड़ नहीं है, मतलब अच्छा है, लिमिटेड लोग है, मतलब आराम से बढ़िया सुकून से बैठो दर्शन करो, देख लिया। आप लोग सच में जरूर आइएगा जबलपुर, अगर आते हैं आप लोग तो ये प्लेस मत छोड़िएगा देखने का, और मैं तो कहती हूँ कि रात को ही आइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइट वगैरह हो जाती तो और ही अच्छा लगता है, और आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन ऐसे ही हो जाएंगे ही। तो चलिए बस।